संक्रिया के साथ संख्या बूझना। इस जोड़ को देखें, क्या आप इसमें P और Q का मान ज्ञात कर सकते हैं? हम जानते हैं कि P और Q के मान 0 से 9 तक हो सकते हैं। अब P धन P धन P बराबर QP, 3P बराबर 10Q धन P। कोष्ठक में संख्या के विस्तारित रूप के अनुसार 2P बराबर 10Q, P बटे 5 बराबर Q। इसका अर्थ है P ऐसा अंक है जो 5 से विभाजित है, यानी P सिर्फ 5 हो सकता है। यदि P बराबर 5 तो 5/5 बराबर Q या Q बराबर 1। अब जांचने पर P धन P धन P बराबर QP तो 5/5/5 बराबर 15। उदाहरण 1, PQ ऋण QP बराबर 27 हो तो P व Q क्या होंगे? हल, संख्या PQ को विस्तारित रूप में हम लिख सकते हैं 10P धन Q। इसी तरह से संख्या QP को हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं 10Q धन P बराबर 27 या 10P धन Q ऋण 10Q ऋण P बराबर 27 या 9P ऋण 9Q बराबर 27 या 9P ऋण Q बराबर 27 या P ऋण Q बराबर 27/9 या P ऋण Q बराबर 9 × 9 = 27 तो P ऋण Q बराबर 3। पी और क्यू के संभावित उत्तर इस तरह से हो सकते हैं। पहला, यदि पी बराबर 9 हो तो क्यू बराबर 6। दूसरा, यदि पी बराबर 8 हो तो क्यू बराबर 5। तीसरा, यदि पी बराबर 7 हो तो क्यू बराबर 4। चौथा, यदि P बराबर 6 हो तो Q बराबर 3। पांचवा, यदि P बराबर 5 हो तो Q बराबर 2। इसी तरह से छठवा, यदि P बराबर 4 हो तो Q बराबर 1। सातवा, यदि P बराबर 3 हो तो Q बराबर 0। इसके आगे हम P के और अगर मान लें, यानी P बराबर 2 लेते हैं तो Q का मान ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए P व Q के ये 7 विभिन्न मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। करके देखें, 1, AB धन BA बराबर 77 हो तो AB के मान क्या हैं? 2, इस प्रकार कुछ और सवाल बनाइए जिनके एक से अधिक उत्तर हों।